नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंसेज इट क्रॉसेज हाफ द मैक्सिमम हाइट इट इज़ प्रोजेक्टेड विद द स्पीड यू एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल नाउ सिंपल सवाल है बट अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी uh, से आपको मिलेगी सो so, स्नैरियो ये है कि आपने एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे लॉन्च किया है लेटेस से यू वलॉसिटी और थीटा एंगल पे अब ये इसकी मैक्सिमम हाइट है ये मान लीजिए कोई हाइट है एच बाई टू और ये हाइट है h बाई टू और फॉर दैट मैटर लेट्स एच बाई टू ना होकर इसको जेनेरिक सवाल करते हैं किसी एक पॉइंट uh, A से B के बीच में हम बात कर रहे हैं हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है और दोनों ये पॉइंट आपके सेम हॉरिजोंटल लेवल पे हैं सो दे आर एट द सेम हॉरिजोंटल लेवल ठीक है सो ए कॉमा बी आर एट द सेम हॉरिजोंटल लेवल सवाल है फाइंड वी एवरेज ए से बी के बीच में हमें जो एवरेज वेलोसिटी है वो बतानी है ठीक है सो so, ये बात अपने को पता है कि यू आ, से आपने इसको थीटा एंगल पे अगर प्रोजेक्ट किया है तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी यू cos थीटा और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी आप ले सकते हैं यू साइन थीटा

नाउ ये कंसिडर करते हैं ए से भी जाने में अपना टाइम टेकन टी है आपका टी टाइम लगा है यहाँ से अब देखते हैं एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है नाउ क्योंकि ये दोनों सेम uh, आपका सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है इस वजह से आपका जो डिस्प्लेसमेंट होएगा डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जो है वो ज़ीरो होएगा बिकॉज आपका सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो ऊपर जितना गया उतना नीचे वापस आ गया है सो आपका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है सिमिलरली अगर आप एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो उसको आप लिख सकेंगे यू कॉस् सीटा मल्टीप्लाइड बाई टी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज आपकी यू कॉस्ट सीटा हॉरिजोनटल में वेलासिटी है मल्टीप्लाइड बाई टाइम ये डिस्प्लेसमेंट दे देगा ना अगर वी एवरेज की बात करेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू एस एक्स वाई में आपका जीरो हो गया आई कैप डिवाइडेड बाय आपका टाइम टेकन और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी यू कॉस सीटा मल्टीप्लाइड बाई टी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन और यू कॉस सीटा आई कैब ये आपकी वैल्यू आ गई सो एवरेज वेलोसिटी दो पॉइंट जो आपके सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं उनकी वेलोसिटी हमेशा कॉस सीटा होएगी और ये बात ट्रू है आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में भी ठीक है सो so ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी